लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा 3 अक्टूबर को आयोजित स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष एवं महिला की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा के नोडल अधिकारी व अपर जिला अधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी मजिस्ट्रेटों को उनके परीक्षा ड्यूटी के संबंध में जानकारी दी गई तथा परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा के 1 घंटा पूर्व केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स सिस्टर की परीक्षा जनपद के 39 केंद्रों पर 3 अक्टूबर को आयोजित की गई है। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक संपन्न कराई जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट को परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए आवश्यक जानकारी दी जा चुकी है और परीक्षा को सुचिता पूर्वक सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी व परीक्षा के नोडल अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, आपका जो सेंटर है उसका कितनी गुजरात में आप अपना समय प्रबंधन कर लीजिएगा, समय से सभी सेंटरों को पहुँच जाए ताकि ऐसा ना हो कि जब जो उपस्थित है और कोई आया नहीं है अभी तक, ये स्थिति ना उत्पन्न हो, तो आप जरूर वहाँ उपस्थित हो जाए ताकि सेंट्रल मजिस्ट्रेट आपको प्रश्नपत्र रिसीव करा सके। स्टेटिक मजिस्ट्रेट अपने सामने सारी कार्रवाई कराएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे, एक जगह पे सेक्टर सेंट्रल इंचार्ज के साथ उनके स्वयं के हस्ताक्षर होने हैं कि ये जिम्मेदारी जितनी सेंट्रल इंचार्ज की है सारी चीज़ों में वो स्टेटिक मजिस्ट्रेट की है, वो भी सभी सेंटरों पर अपना 8 बजे तक पहुँच जाएगा। अब तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसी के संबंध में आज सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ आयोग के जो लोग आए हुए हैं सामान्य पर्यवेक्षक उनके साथ एक बैठक की गई है और परीक्षा की तैयारियों के संबंध में सभी को बताया गया है और इस परीक्षा को हम लोग अच्छे से और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराएंगे। जिले में टोटल 43 सेंटर बनाए गए हैं और सभी की आज मीटिंग की गई है।